तो स्वागत है आप सबका। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेरे दूसरे वीडियो से अलग होगा, क्योंकि आज मैं ना ही किसी का मजाक उड़ाने वाला हूँ, ना ही किसी मूवी सीन में अपना आवाज डालने वाला हूँ। आज मैं बात करूंगा तो केरला की और उसमें आने वाले बाढ़ की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केरला में कितना खतरनाक बाढ़ आया है। तबाही और सिर्फ तबाही। देवताओं की धरती पर बारिश, बाढ़ और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर है। सब कुछ तबाही की कगार पर आ खड़ी हुई। में है एलएपी के पास वाले इलाके से लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन आगे तक रेस्क्यू टीम भी पहुंच नहीं पाई थी। चंपाकुलम के रास्ते में इंडिया टीवी की टीम ने देखा कि बड़े बड़े घर डूब गए थे, कुछ नहीं बचा था। जानवरों को बचाने के लिए जुगाड़ का सहारा ले रहे थे, दो नावों को मिलाकर गायों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में लगे थे। जैसे कि आपने देखा, घर बर्बाद हो रहे और टूट रहे, और जो घर बर्बाद नहीं हो रहे वो पानी के अंदर है। मतलब खुद का घर होते हुए भी वो लोग अपने घर में नहीं जा पा रहे। खेतों में, घरों में ज्यादा पानी जाने की वजह से पूरा खाना बर्बाद हो चुका। अभी पूरे केरला के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और आप बड़े बड़े आदमी औरतों का भी छोड़ दो, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या, जो 1 से 10 साल के बीच में, उनके लिए भी खाना नहीं है। और क्या आप उस माँ बाप की हालत सोच सकते हो जिसके छोटे छोटे बच्चे उनसे खाना मांगते होंगे और उस माँ बाप के पास उस बच्चे को देने के लिए खाना तक नहीं होगा। इससे बुरे दिन शायद किसी भी माँ बाप ने नहीं देखा होगा जहाँ पे वो अपने बच्चे को ही खाना नहीं दे पा रहे। और इसके बाद भी ज्यादा पानी की वजह से जहरीले कीड़े, मकोड़े और सांप इंसानों के बीच में आ चुके, जिसके वजह से और भी जाने जा रही है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केरला के लोगों को और केरला के गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है। आपसे जितना भी हो सके आप उतना डोनेट कीजिए, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो। जैसे कि हम जानते हैं 2 से 3 दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, तो जितने भी बहनें हैं वो अपने भाइयों को बोलिए कि आपको गिफ्ट ना दे, बल्कि वो गिफ्ट का पैसा केरला को डोनेट कर दे। और सारे भाई अपने बहनों से ये बोले कि मैं तुझे इस बार गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे गिफ्ट के पैसे तेरे ही नाम से केरला को डोनेट कर दूंगा। 1 साल गिफ्ट मत लो यार, 1 साल आशीर्वाद ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। मुझे मालूम है मेरे YouTube में सिर्फ 35 सब्सक्राइबर्स है और Facebook में 150 फॉलोअर्स है, और मैंने जो ये वीडियो बनाई है ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन मेरे अगर सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ने भी डोनेट किया वो कम से कम 5 से 6 हजार हो जाएगा, जिससे केरला का गवर्नमेंट 2 से 3 परिवार का खाना तो ला सकता है। अगर आप ये दिल से कर रहे हो तो इस सिचुएशन में ये बहुत है। जहाँ पे लोगों को खाने नहीं मिल रहा है वहाँ पे अगर लोगों को 2 दिन खाने मिल जाए तो वो आपके तरफ से सच में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये वीडियो मैं अपने फायदे के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग ये वीडियो देखने चाहिए तो ही आप इसको शेयर कीजिए, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो ये वीडियो पहली बार देखेंगे उन पे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। आप ये वीडियो देख के बस 100 रुपये डोनेट कर दीजिए, मेरे लिए वो काफ़ी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के पैसे डोनेट करेंगे। पैसे डोनेट करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप चाहे तो पेटीएम से भी डोनेट कर सकते हैं। तो बस मैं वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय।